पर उज्जैन से उज्जैन महाकाल मंदिर में शिवलिंग गर्भगृह में होली के दिन आग लगना रहस्य का विषय बना हुआ है। मुख्य होली के दिन 25 मार्च को भस्म आरती के दौरान अचानक लगी आग चिंता व रहस्य का विषय बना हुआ है। भस्म आरती के दौरान आग लगने से 14 पुजारी समेत भक्तगण झुलस गए। आरती के दौरान स्थानीय भक्तगणों द्वारा बताया जा रहा है कि आरती की थाली में रखा हुआ कपूर अचानक भपक गया। वह होली के दौरान उड़ाई जा रही गुलाल भारी मात्रा में गुलाल में आग पकड़ने से महाकाल मंदिर में चांदी की परत को बचाने के लिए पतले कपड़े की चादर से ढका गया था। कपड़े की चादर में आग लगने से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लग गई, लेकिन महाकाल गर्भगृह में महाकाल शिवलिंग व सिंहासन पर जरा सी भी आग लगने से कालापन नजर नहीं आया और न ही कुछ नुकसान हुआ। कहीं न कहीं महाकाल बाबा की कृपा है व महाकाल मंदिर के पुजारी व भक्तगणों पर भी कृपा है, जो किसी भी 14 लोगों में से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। होली के दिन जैसे पावन अवसर पर इस तरह की घटना होना, कहीं न कहीं तो बाबा महाकाल क्रोध में हैं या फिर उनकी पूजा अर्चना में कुछ बाधा आई होगी, इसलिए इस प्रकार की घटना घटित हुई है। उज्जैन गृह नगर से ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हैं। वैसे एक प्रथा चली आ रही है कि उज्जैन के राजा बाबा महाकाल है व उज्जैन नगर में कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रात नहीं रुक सकते हैं। जो भी रुके हैं उनकी कुर्सी चली गई है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल का बेटा मानकर उज्जैन में रात रुकना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं इस प्रथा को तोड़ने से महाकाल बाबा नाराज तो नहीं हो गए? वैसे महाकाल मंदिर में आग लगने से सबसे ज्यादा चिंतित व दुखी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ही दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अस्पताल में जाकर सभी झुलसे हुए लोगों के हालचाल जाने व उनके जल्दी ठीक होने की कामना की। मंदिर में परंपरागत अनुसार जो होली उत्सव बनता है वो बन रहा था। गर्भगृह के अंदर गुलाल के कारण आग भपक पड़ी, उससे मंदिर के हमारे पुजारी परिवार के जो सदस्य लोग थे वो घायल हो गए। हमने तुरंत अस्पताल में लेकर आए, सभी का उपचार चल रहा है। बाबा से यही प्रार्थना है कि गर्भगृह के अंदर आग भपकने का मामला हुआ है और इसमें टीका आए हैं उन्हें आज का अस्पताल में भर्ती किया गया। कितने पंडित पुजारी शामिल हैं और किस प्रकार की उनकी स्थिति? 13 लोग इसमें घायल हैं जो 13 लोग और अभी उनका इलाज जारी है, कोई भी डेंजर में नहीं हुआ। मैं सुबह भस्म आरती के समय, वैसे होली की परंपरा है शुरू से है, होली में रंग डलता, भगवान को पंडित पुजारी खेलते हैं, ये परंपरा थी। लेकिन भगवान के भाग्य से बड़ी घटना होने से बची है, बड़ी एक तरह से। लेकिन ये अलार्मिंग काल है, मैं समझ सकता हूँ कि प्रशासन के द्वारा हम कोशिश करेंगे भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो जाए। जो जो घायल हुए मैं उज्जैन में और इंदौर में दोनों जगह देख के जा रहा हूँ, इसकी मेडिकल जांच के भी आदेश दे दिए हैं और जो घायल है उनको भी अच्छे से अच्छा इलाज सरकार कराएगी और प्रशासन के माध्यम से कोई राहत भी कराने की बात की है। अच्छी ढंग से कोई हमने कहा कि कम से कम 1,00,000 रुपया इनको इस तरह से मदद की जाए और दोबारा ऐसी कोई घटना न घटे, इसके प्रबंधन भी करेंगे। जैसे बाबा महाकाल सब पे कृपा करेंगे, लेकिन होली के पावन पर्व पर यह घटना होना बहुत दुखद है। मुझे मेरे मन में अत्यंत पीड़ा है, लेकिन अब परेशानी ये है कि आज की इस अवस्था में पहले हमको मरीजों को अच्छा करना जरूरी है। भगवान की दया से कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, लेकिन रंग के डलने से डॉक्टरों को भी कठिनाई आ रही कि वो कहाँ कहाँ जला है नहीं जला है पहचान में आने के लिए, लेकिन अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे, सब ठीक होगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।